हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैंने आगे आपको 6 क्वेश्चन किया है, कराए हैं आपको 6 क्वेश्चंस। तो वो क्या 6 क्वेश्चन अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन के नहीं देखे तो वो देख लेना। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वन बाय वन हम सब पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, ए पॉइंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 120,000। मतलब बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 120,000। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इससे क्या होगा, कैश आएगा। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे, कैश 120,000। अब ओनर कोई भी पैसा बिजनेस में लाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो कैपिटल में क्या लिखेंगे हम, 120,000। अब ये टोटल सही हो रहा है, हम टोटल चेक कर लेंगे। तो हमारा पहला ट्रांजेक्शन सही है, ट्रांजेक्शन सही है, मतलब हमारा ट्रांजेक्शन ए सही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने 7-6 तक क्वेश्चन मैंने आराम से कराया है। तो क्योंकि आपको अभी अच्छे से पॉइंट्स रिवाइज हो चुका है कि कौन सा पॉइंट्स आएगा तो क्या करेंगे। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंट रिसीव 10,000। मतलब 10,000 हमारी इनकम हुई है, रेंट मिला है, तो कोई भी इनकम मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो क्या 10,000 ऐड करेंगे। और सेकंड, वो रेंट हमको किस में मिला है, कैश में मिला है, तो 10,000 हम इधर भी ऐड करेंगे। अब हम टोटल करेंगे तो इधर का टोटल 130,000, अब इधर का टोटल करेंगे 130,000। मतलब ये वाला ट्रांजेक्शन भी सही है, हमारा बी ट्रांजेक्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन है इन्वेस्टेड इन शेयर 50,000। मतलब शेयर में 50,000 रुपया हमने इन्वेस्ट किया, मतलब ये हमारा असेट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर। अमाउंट क्या है 50,000, ट्रांजेक्शन सी। अब 50,000, अब ये पैसा जो मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया वो मैंने कैश दिया होगा, तो मैंने कैश दिया होगा तो मैं क्या करूंगा, कैश में से माइनस करूंगा। अब मैं टोटल करता हूं, क्या है इधर का टोटल क्या आएगा, 80,000, इधर का 50,000, तो टोटल क्या होगा 130,000। अब इधर का टोटल करूंगा, इधर कोई चेंजेस नहीं है तो सीधा 130,000। अब हम देखेंगे क्या नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन डी। तो ट्रांजेक्शन डी क्या बता रहा है, ट्रांजेक्शन डी बता रहा है रिसीव डिविडेंड 5,000। मतलब हमको डिविडेंड मिला, तो डिविडेंड क्या है, हमारी इनकम है, ये जो हमने शेयर में इन्वेस्ट किया था, शेयर में जो इन्वेस्ट करते हैं तो हमको शेयर अगर लेते हैं, हम खरीदते हैं कोई भी कंपनी के, तो कोई भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट में हमको कुछ हिस्सा मिलता है, तो वो हिस्से को हम क्या कहेंगे, डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारे लिए क्या है, इनकम है, डिविडेंड इनकम है। तो कोई भी इनकम हम क्या करते हैं, सबसे पहला कैपिटल में ऐड करते हैं, तो सबसे पहला मैं कैपिटल में ऐड करता हूँ 5,000। अब सेकंड, वो डिविडेंड हमको कैश में मिला होगा तो मैं कैश में ऐड करता हूँ 5,000। अब हम करेंगे टोटल क्या होगा, 85,000, 50,000, 135,000, फिर क्या है इधर क्या होगा, 135,000। तो टोटल भी हमारा क्या आएगा, 135,000। तो ये वाला यहाँ तक ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से समझ आए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन ही क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी। मतलब रागनी से हमने गुड्स परचेस किया, वो क्रेडिट पे परचेस किया है। तो सबसे पहला क्या है, रागनी हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिटर, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर। तो सबसे पहला परचेस गुड्स फ्रॉम रागनी ऑन क्रेडिट। तब कितने पैसे में लिया है, अमाउंट क्या है, अमाउंट है 35,000। मतलब 35,000 का हमने गुड्स क्या किया है, क्रेडिट पे लिया है। सबसे पहला 35,000 का गुड्स क्रेडिट पे लिया है तो वो गुड्स, तो हमारा गुड्स बढ़ेगा, और सेकंड क्या होगा, क्रेडिट भी बढ़ेगा क्योंकि हमने उधार पे लिया है। तो यहाँ हम लिखेंगे गुड्स, गुड्स कितना है 35,000 का हमने लिया, किससे लिया, रागनी से लिया, वो क्रेडिटर है, तो हमारी लायबिलिटी भी 35,000 बढ़ेगी। अगर हमने कैश में लिया तो हम कैश से ये 35,000 माइनस करते, अब इधर का भी हम टोटल करेंगे क्या है, अब टोटल करेंगे 85,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000। तो ये क्या है, देखो 135,000 प्लस 35,000 तो सिंपल हो जाएगा 170,000। अब 35,000 फिर क्या है, 135,000
तो हो जाएगा 1,70,000। तो यहां तक क्या है, सब ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ए बी सी डी एन ई। अब देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, एफ, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस 7,000। अब ये 7,000 जो उसने पे किया ओनर ने, वो किस काम के लिए पे किया, हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए पे किया। अब हाउस होल्ड एक्सपेंस क्या होता है, वो बिजनेस के एक्सपेंस नहीं होते, तो कोई भी बिजनेस का एक्सपेंस हम क्या करेंगे, बिजनेस में नहीं लिखेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसके इम्पैक्ट इफेक्ट क्या देंगे वो समझाऊंगा। तो इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़े थे 11th के चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटी। तो दो अलग अलग एंटिटीज है। तो अब क्या करना है, 7,000 जो उसने लिए है वो क्या है हमारे लिए, ड्रॉइंग्स हो जाएगा, वो पैसा हमारे लिए ड्रॉइंग्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 7,000 यहां से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। अब सेकंड, ये 7,000 उसने जो पैसा लिया है वो हाउस होल्ड एक्सपेंस पे करने के लिए है, बट वो पैसा उसने किस में लिया होगा, कैश में लिया होगा। तो हम कैश यहाँ 7,000 माइनस करेंगे। अब हम करेंगे कितना होगा, 85,000 माइनस तो होगा 78,000 होगा, 78,000 प्लस ये 50,000, फिर ये 35,000। अब सिंपल 35,000, अब मैं टोटल करूँगा, 85,000 प्लस 160 प्लस, तो ये सिंपल कितना होगा, यहाँ होगा 163,000। फिर से एक बार मैं टैली कर लूँगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ना हो, 35,000, तो 85,000 प्लस दिस 80,000 माइनस 2, तो हो जाएगा 160। अब यहाँ मैं करता हूँ, यहाँ क्या है 35,000 प्लस ये क्या है, यहाँ भी होगा 1,28,000 प्लस 35, तो ये कितना होगा, प्लस 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा 33 प्लस 30,000 1,63,000। ये वाला भी आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आएगा, एकदम इजी था ये वाला। अब देखेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 फॉर 14,000। मतलब हमने क्या किया, गुड्स सेल किए, तो वो क्या किया, हमने गुड्स सेल किए तो सबसे पहला गुड्स में से माइनस करेंगे, बट गुड्स हमने कितने के सेल किए, ओनली 10,000 ही हम यहाँ से माइनस करेंगे, क्योंकि कॉस्टिंग 10,000 मतलब 10,000 के गुड्स हमने बेचे, बट कितने में बेचे, 14,000 में बेचे। हमारा कैश कितना आया होगा, 14,000 आया होगा, कैश 14,000 आया होगा। अब ये 10,000 के थे और मैंने 14,000 में बेचे, मतलब 10,000 की चीज 14,000 में बेचूंगा, तो मेरे को क्या होगा, 4,000 प्रॉफिट होगा। तो 4,000 क्या हुआ, मेरे को प्रॉफिट होगा। तो मैं प्रॉफिट कहाँ ऐड करता हूँ, प्रॉफिट को यहाँ पे ऐड करूँगा। तो अब मैं करूँगा, टोटल क्या आएगा, अब मेरा टोटल क्या आएगा मैं चेक करूँगा, 70,14,000 ये होगा 82 प्लस 10 तो होगा 92, ये 92 होगा। अब ये 50,000, अब इसमें से हम 10,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 25,000। अब यहाँ पे 25,000 आएगा। अब हम यहाँ देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 35,000, कोई चेंजेस नहीं। और यहाँ पे क्या आएगा, 1,000, ये इसमें 4,000 ऐड करेंगे तो 1,32,000। तो ये अब हम चेक करेंगे दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, ये होगा 1,32,000 प्लस 35,000, मतलब होगा 1,67,000। अब मैं इधर का चेक करूँगा, 25,000 मतलब 75,000, 92 प्लस 75, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, तो 1,67,000 मतलब इधर का भी सही आ रहा है, 1,67,000 मतलब ये वाला भी हमारा ट्रांजेक्शन सही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ये वाला ट्रांजेक्शन क्या था, जी ट्रांजेक्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन एच, कैश पेड टू रागनी 35,000। मतलब ये जो रागनी थी हमने उसको क्या किया, 35,000 कैश पे कर दिया। तो सिंपल इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा और 35,000 हमने कैश में पे किया होगा, तो ये हम कैश में पे कर देंगे। तो 35,000 माइनस करेंगे तो क्या होगा,
तो ये होगा 3 और 8 माइनस 3 तो 5, 53,000, सॉरी 53,000 नहीं होगा, 57,000 होगा, 57,000 प्लस दिस 50,000 प्लस 25,000। अब यहाँ पे इसका अकाउंट क्लोज हो गया है तो यहाँ पे क्या बचा 32,000। अब मैं चेक करूँगा टोटल क्या आएगा, 57 प्लस क्या 75, तो ये क्या होगा 2 और कैरी 1 और ये 3, 12 32,000, तो ये होगा 1,32,000। मतलब ये वाला भी हमारा ट्रांजेक्शन सही है। अब हम देखेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन, तो लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000। मतलब हमने क्या किया, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा एक असेट बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगी, बैंक कितने से बढ़ेगी 20,000 से। एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ कि ये अमाउंट क्या है, 20,000 है, हाँ 20,000 है, तो बैंक में क्या होगा, बैंक में 20,000 से अमाउंट बढ़ेगी। और ये पैसा हमने क्या बैंक में क्या डिपॉजिट किया होगा, कैश डिपॉजिट किया होगा, तो हमारा कैश 20,000 से क्या होगा, कम होगा, तो हम डिडक्ट करेंगे 20,000। अब हम करेंगे टोटल क्या है, यहाँ पे आएगा 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000। अब इसका आंसर भी 1,32,000 ही आएगा फिर से, तो भी मैं एक बार फिर से देख लूँ, ये होगा कितना, हाँ यहाँ से ही आ रहा है 1,32,000 आ रहा है। अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, ये अकाउंट क्लोज हो चुका है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम, 1,32,000, तो 1,32,000 दोनों साइड का टैली हो रहा है। तो ये क्या है, आपको मैंने आपको अभी तक 7 क्वेश्चन करा दिए, ये क्वेश्चन को इंक्लूड करके मैंने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए, तो आपको अभी पता चल गया होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। मैं आगे भी एक और या एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन के, तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से याद करना है, और ये पूछते ही है आपको नॉर्मली एक क्या है नॉर्मली इसको पूछ सकते हैं आपको 5 मार्क्स में 6 मार्क्स में आपको ये पूछ सकते हैं, आपके टेस्ट में भी पूछेंगे। अभी तो स्कूल लॉकडाउन है तो क्या है उसकी वजह से कुछ इसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बट जब आप स्कूल में जाओगे अगस्त के बाद आई थिंक जल्दी से आई होप के जल्दी से स्कूल ओपन हो जाए, रीओपन हो जाए, तो आप क्या है जब टेस्ट दोगे तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही, तो आपको क्या करना है अच्छे से अटेंड करना है और पूरे के पूरे मार्क्स गेन करने हैं।